हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारे दो एयरपॉड्स के बारे में, जो कि है एक मीवी कंपनी का और एक है बोट कंपनी का। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में पूरा जानकारी दूंगा, इसमें से कौन सा अच्छा है, क्या इसके इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या इसका बैटरी बैकअप है, सभी कुछ मैं आपको बताऊँगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये है बोट का जो कि इसका मॉडल नंबर है 131, और ये है आपका मीवी, इसका जो मॉडल नंबर है ये है आपका ड्यूओ पॉड्स M20 ट्रूली वायरलेस। ठीक है, तो ये जो बोट का जो प्राइस है वो मुझे पड़ा 1300 रुपीज़, चेंज होते रहता है। ठीक है, तो अभी का जो करंट प्राइस है इस बोट का 1300 रुपीज़ है, और ये जो मीवी है ये लगभग 1100 रुपीज़ का है। ठीक है, तो आप लोगों को प्राइस भी पता चल गया दोनों का क्या है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखिए, सबसे पहले इसमें जो बोट है, ये बोट का एक नया टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ किया गया है। ठीक है, उस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं आपका IWP। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे, ठीक है, ये रेडी टू पेयर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स आप बस इसको ओपन किए, ये रेडी टू पेयर हो गया। अब आपको बस इसको ऐसे करके निकालना है और ब्लूटूथ में सर्च करना है। सर्च करने के लिए बस आपको ब्लूटूथ आप फ़ोन से ओपन करके इसको सर्च कर लीजिए और ये वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप जैसे ही इसको आप वापस इसमें बॉक्स में रखते हैं, ये अपने आप टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और ये मीवी में भी कुछ ऐसा ही है, आप इसको ऐसे ओपन करेंगे, इसको जैसे ही आप हटाएंगे ये ऑटोमेटिकली पेयरिंग मोड में चला जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, और फिर आप इसको ईजिली कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों ईयरफोन हैं, एक ये जो है आपका, ये है आपका मीवी का और ये है बोट का। ठीक है, तो देखिए इसमें जो ये जो बोट है ये आपका ये हाफ इन ईयर है। ठीक है, मीन्स आपको ये दिखेगा, देंगे तो जो है ये पोर्शन आपका निकला हुआ है ना, इतना ये जो है ये आपको दिखेगा लगाने पे कान में। ठीक है, बट इसमें जो है ये हमारे मीवी वाले में ये आपको ऐसा कुछ नहीं दिया गया। ठीक है, इसमें आप पूरा ये ईयर इन में चला जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा है इसका, देख लीजिए। ठीक है, अभी इसके बाद इसमें जो ड्राइवर्स दिया हुआ है हम उसकी बात करते हैं। तो ये जो हमारा मीवी है इसमें आपको 6 mm का ड्राइवर्स दिया गया है। ठीक है, और ये जो बोट है उसमें हमारा 13 mm का ड्राइवर्स यूज़ किया गया है। ठीक है, और बैटरी बैकअप की बात करें तो हमारा मीवी जो है ये ओवरऑल इन केस के साथ, इस केसिंग के साथ ये 20 घंटे का बैटरी बैकअप दे देता है, और इंडिविजुअली अगर देखा जाए विदाउट केसिंग का तो ये 5 से 5.5 घंटे का तक का जो आपका चार्जिंग है, ओवरऑल मानिए 5 घंटे का ये चार्जिंग मीन्स प्लेबैक आपको दे देता है ये मीवी वाला। ठीक है, और वहीं बात किया जाए इस बोट की, तो बोट का केस के साथ जो है आपको लगभग 15 घंटे का चार्जिंग मिलेगा विथ केस, और मीवी में आपको मैंने बताया 20 घंटे की चार्जिंग मिलेगी विथ केस। और इसका जो इंडिविजुअल मींस विदाउट केसिंग जो है ये लगभग वही आपका 3 to 3.5 hours तक चलता है एक बार चार्ज करने पे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लूटूथ वर्जन की। ठीक है, तो दोनों ही ईयरफोन में ब्लूटूथ वर्जन 5.0 दिया गया है, इस दोनों में ही 5.0 यूज़ किया गया है। उसके बाद सबसे पहले जो चीज़ आती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखिए इसका जो चार्जिंग पोर्ट है, तो जो बोट का जो चार्जिंग पोर्ट है वो टाइप सी दिया गया है, देखिए। और इसमें जो है चार्जिंग पोर्ट आपका माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है, ये देखिए इसमें आपको माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है। ठीक है, और इसमें आपको टाइप सी दिया गया है, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा इस फील्ड में मुझे ये अच्छा लगा। अब बात करते हैं इसकी वायरलेस रेंज की, तो जो वायरलेस रेंज है दोनों में ही आपका लगभग 10 meters का रेंज दिया गया है। ठीक है, और इसमें जो आपका इसमें जो बैटरी है आपका जो दिया गया है वो इसमें मीवी में है आपका 300 mAh का बैटरी इस केसिंग के साथ दिया गया है, और ये जो बोट का है वो 650 mAh का बैटरी इसमें केसिंग में दिया गया है। ठीक है, और दोनों में ही 1 year का वारंटी आता है, इस दोनों में ही जो वारंटी है वो 1 साल का दिया गया है। ठीक है, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये जो मीवी के एयरफोन्स हैं इसमें ये जो हैं ये आपके स्वेट प्रूफ है। ठीक
ठीक है, स्वेट भी स्वेट प्रूफ भी हैं और ये है जो आपका बोट का, ये स्वेट प्रूफ नहीं दिया गया है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो मीवी है ये है आपका वाटर प्रूफ, ठीक है, ये वाटर प्रूफ है, आप इसको आराम से अगर बारिश हो रही हो रही है तो यूज़ कर सकते हैं, बट ये बोट का वाटर प्रूफ नहीं है दोस्तों, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा इसको मतलब अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा, जब बारिश हो रही हो तो इसको यूज़ ना करें क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले इसकी जो साउंड क्वालिटी है उसकी बात कर लेते हैं, जो हमारा वीडियो का जो मेन टॉपिक है, ठीक है। तो जो साउंड क्वालिटी की हम बात करें, ठीक है, सबसे पहले अगर हम वोकल्स की बात करते हैं तो मीवी के जो वोकल्स हैं, जब आप यूट्यूब वीडियोस देखिएगा या फिर आप कुछ सुनिएगा तो थोड़ा सा आपको हल्का मफल्ड नज़र आएगा, ठीक है। वैसे जब आप गाने सुनते हैं तो आपको उतना इफ़ेक्ट और उतना प्रभाव नहीं दिखेगा उस चीज़ का, बट जब आप YouTube वीडियोस देखेंगे तो थोड़ा सा स्लाइट मफलिंग होता है इसमें। वैसे साउंड क्वालिटी जो है वो क्लियर है, कॉल क्वालिटी भी एकदम हमको अच्छा लगा, क्लियर है। और म्यूज़िक की जो ओवरऑल बात किया जाए कि बास वगैरह और ट्रेबल वगैरह सब ठीक ठाक है, नॉट टू मच, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट ठीक है, ओके आप कर सकते हैं। और वहीं जहाँ बात रहा इसका, तो ये जो बोट का आपका जो ओवरऑल आपका साउंड क्वालिटी है वो मुझे उतना कोई ख़ास नहीं लगा, ठीक है। सबसे डिसअपॉइंटिंग बात है कि मुझे बोट का उतना कोई ख़ास नहीं लगा साउंड क्वालिटी। और दूसरी बात, मुझे ये भी नहीं अच्छी लगी इसमें कि ये जो ईयरफोन है, मैंने इसको लगभग एक घंटा ही यूज़ किया और मेरा जो कान है वो पूरा दर्द करने लगा था दोस्तों, ठीक है। तो ये पेन करने लग जाता है, ठीक है, कुछ देर यूज़ करने के बाद इसका जो ये जो टफ़ वाला जो पोर्शन है इससे पेन करने लग जाता है कान, ठीक है, दर्द करने लगता है कान, तो थोड़ा सा ये भी डिसअपॉइंटिंग बात लगा मुझे इसमें। और एक चीज़ और, मैंने इस ये जो है वो देखिए बटन प्रेस वाला है, ठीक है, आप जिसको बटन से ऐसे प्रेस करेंगे, डबल प्रेस करेंगे तो सॉन्ग फॉरवर्ड हो जाएगा राइट वाले में, लेफ्ट वाले में अगर डबल प्रेस करेंगे तो ये प्रीवियस सॉन्ग पे चला जाएगा, ठीक है। प्ले एंड पॉज करने के लिए सिंगल क्लिक है, उसी तरह से इसमें भी ये आपका टच सेंसिटिव है और आप एक बार अगर ऐसे टच करेंगे तो साउंड जो है आपका सॉन्ग का रुक जाएगा, और डबल क्लिक राइट वाले ईयरबड्स पर डबल क्लिक करेंगे तो सॉन्ग आगे बढ़ जाएगा, लेफ्ट वाले ईयरबड पर डबल क्लिक करेंगे तो वो प्रीवियस सॉन्ग पे चला जाएगा। तो टच फंक्शन कुछ इस तरह से काम करता है दोनों ही ईयरफोन में, तो इसमें आपका टच फंक्शन है और इसमें आपको मैंने बताया ये क्लिकिंग वाला फंक्शन है, ठीक है। ओवरऑल अगर बात किया जाए इसका, जो मैं कितना रेटिंग दूंगा तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मीवी के जो रेट इसका जो बिल्ड क्वालिटी है, ठीक है, बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, बट ठीक है, अप टू द मार्क, एट दिस प्राइस ऑफ रेंज आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा इसका बिल्ड क्वालिटी, ठीक है, इसका भी बिल्ड क्वालिटी अच्छा लगा मुझे, ठीक है, दोनों का बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है, कोई बहुत अच्छा नहीं, वैसे दोनों ही प्लास्टिक केसिंग है बट बिल्ड क्वालिटी अच्छा लगा। और इसका जो बिल्ड क्वालिटी अगर मैं बात करूँ तो कितना मैं मार्क्स में दूंगा मैं बहुत आता हूँ, तो मीवी को का बिल्ड क्वालिटी के लिए मैं दूंगा इसको 8 out of 10, ठीक है, बोट का बिल्ड क्वालिटी के लिए मैं दूंगा इसको 8.5 out of 10, ठीक है, और कंफर्ट की बात करें तो मैं मीवी को दूंगा 7.5 out of 10, और ऑब्वियसली इसको मैं 6 out of 10 दूंगा। और साउंड क्वालिटी की जहाँ तक बात की जाए तो मीवी को मैं 7 out of 10 दूंगा और इसको 5 out of 10 दूंगा मैं बोट को। तो इन दोनों में जो कंपैरिजन था मैंने आपको सब कुछ अच्छे से डिटेल से बता दिया, तो ये है आपका विनर, और इन दोनों में से मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको पूरा ओवरऑल देखेंगे तो ये है आपका एक बेस्ट पैकेज आप कह सकते हैं कंपेयर टू दिस बोट वन, ओके। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके सारे कमेंट का जवाब दे सकूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, टिल देन बाय बाय।